केतन हाई स्कूल क्लास 9। हम उसका इतिहास का सेकंड लेसन पढ़ रहे थे, रूसी क्रांति, ठीक है, जिसमें प्रातरोगात में फरवरी क्रांति रह गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इसमें 2 दिन और लगेंगे लेसन में। उससे पहले आपके अब ये यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए सभी अपना सिलेबस सुन लो। पहले चारों बुक में से आपके 1-1-1 लेसन आएंगे, वो मैंने करा दिए हैं। आप अच्छी तरह से उन क्वेश्चनों को लर्न कर लेना बहुत अच्छी तरह से, और मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जैसे पहले आए थे उसी तरह से आएंगे। दोबारा सुन लो, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और उसमें राजनीति शास्त्र में एक एक लेसन आएगा आपका, 1-1 लेसन जो जो मैंने करा दिए हैं उनके क्वेश्चन आज अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। उससे पहले यूनिट टेस्ट से पहले आपका ये सेकेंड लेसन भी कम्प्लीट हो जाएगा, जिसको आप अपनी कॉपी में करेंगे, लर्न करेंगे, परंतु ये नहीं आएगा आपकी बार, ठीक है। अब अगर आगे स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या हुआ था। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेत्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता विभिन्नताओं में ध्यान रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी, ठीक है, कि जनता में मौजूद जो विभिन्नताएं थी उनको देखकर शहर की बनावट तय की गई थी। मज़दूरों को क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर रखा गया था, यानी कि जो मज़दूर वर्ग थे उनके जो क्वार्टर थे और कारखाने नेवा नदी बहती थी उसके दाएं तट पर रखा गया था। बाएं किनारे पर कौन थे, फैसने वाले इलाके थे, यानी कि जिसे बड़े लोग कह देते हैं वो लोग थे। विंटर प्रेस और सरकारी इमारतें थी, जिस महल में ड्यूमा की बैठक, ड्यूमा कौन है, संसद की बैठक बैठती थी, वह भी साफ तरह थी। फरवरी में मजदूरों के इलाके खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई थी। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ रही थी, फरवरी में ठंड पड़ती है ना, बहुत ठंड थी, भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वे जार और ड्यूमा को भंग करने के लिए जो कोशिश का विरोध कर रहे थे, ठीक है, यहाँ तक आ गया। सुन में 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई, यानी कि ताला लगा दिया गया। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों का समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों का हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच, ठीक है, प्रोस्पेक्ट तक आ गई थी। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन का सक्रिय और संगठित संचालित कर नहीं करते थे। जब फैशनेबल रिहायशी और इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया, यानी कि अब वही उस तट पर आ गए थे सारे मजदूर, तो घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वे फिर से दोबारा से इकट्ठे हो गए थे, वो सारे मजदूर थे, ठीक है, और सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों को वहाँ पर भेज दिया गया था। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बहिष्कार कर दिया, यानी कि संसद को बहिष्कार कर दिया, और सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके तहस नहस कर दिया। रोटी तंखा काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते लोग सैकड़ों वहाँ पर जमा हो गए थे, ठीक है। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण काम करने के लिए फिर से घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया था, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर क्या कर दिया, गोली चलानी आरंभ कर दी थी। जैसे देखते हैं ना, अपने देश में भी देखते हो आप लोग, जब हड़ताल होती है तो क्या करते हैं हमारी जो पुलिस होती है, वो क्या करती है, धुआं छोड़ती है, आंसू धुआं छोड़ती है भाई, ठीक है, किसको भाई, वो जो हड़ताल कर रहे होते हैं उनको, लोगों को इधर उधर करने के लिए। और एक रेजिमेंट की बैरक में कुछ जो सिपाही थे उन्होंने क्या करा, एक रेजिमेंट की बैरक होते जहाँ पर सैनिक ठहरते हैं, फिर अफसर पर गोली चला दी, तीनों दूसरी रेजिमेंटों में बगावत कर दी और हड़ताल मजदूरों के साथ आ मिले थे। उस शाम को सिपाही मजदूर एक सोवियत और परिषद का गठन करने के लिए इमारत पर जमा हो गए थे। ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी, यहीं से पेत्रोग्राद को सोवियत का जन्म हुआ। समझ में आ गया, तो इस तरह से किस तरह से यहाँ पर हुआ था, और तय किया गया कि भाई रूस के भविष्यकाल के लिए फैसला किया गया कि जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। भाई सारी जो जिम्मेदारी है वो किसको दे दी जाए, संविधान सभा को दी जाए, और उसका चुनाव सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार पर, और उसका जो चुनाव है जैसे सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार भी जो व्यक्ति वोट दे सकते, जैसे हमारे 18 साल के व्यक्ति वोट दे, तो जिनको ज़्यादा वोट मिलेगी उस पर छोड़ दिया जाए, ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद पढ़ेंगे कि फरवरी के बाद क्या होता है, यहाँ तक आपने फरवरी पढ़ा था उससे पहले, अब फरवरी के बाद क्या हुआ था। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे, उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का क्या कर रहे थे, गठन करना चाह रहे थे। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए थे, और लेनिन कौन था, लेनिन एक व्यक्ति था जो कि बोल्शेविक का नेतृत्व कर रहा था और उस 1914 से युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले ली जाए। लेनिन की 3 मांगें थी कि लेनिन के अप्रैल थीमिस को नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि अब अपने रेडिशल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या रखा गया, कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया था, ठीक है।
गर्मियों में मजदूर जो आंदोलन को फैल गया था, अब भाई फरवरी के बाद गर्मी आती है, कमेटियाँ बनाई गई थी, कमेटियों के माध्यम से मजदूर जो है फैक्ट्री चलाने लगे थे। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे से करेंगे अक्टूबर 1917 की क्रांति।